अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और हम कर रहे हैं NCERT सीरीज़ ऑफ साइंस, जिसमें हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री शुरू कर रखी है और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, नेम्ड इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का पार्ट वन हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, ट्रिपल एस ऐप पे आपको डेली फ्री टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम जम्मू एंड कश्मीर के आने वाले हैं वो सब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आप ट्रिपल एस ऐप को विजिट कीजिए और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, अगर इसके कंटेंट पे बात करें कि हमने पहली वीडियो में क्या क्या बात करी और आज हम क्या बात करेंगे। पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि प्योर सबस्टांस क्या होते हैं, इम्प्योर सबस्टांस क्या होते हैं, देन हमने बात किया होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर पे, देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलाइड्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, देन सॉल्युबिलिटी, देन एलिमेंट्स, मतलब इसकी तीन टाइप्स आएंगी, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। देन हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स भी तीन टाइप्स का होता है, एसिड, बेस और साल्ट्स। और देन हम डिफरेंस सीखेंगे बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। देखिए इनको हम एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक बीकर लेता हूं और इसमें मैं वाटर फिल करता हूं, ओके। वाटर मेरा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। जिस भी सब्सटेंस में हम किसी चीज़ को डिजॉल्व करते हैं, जिसमें डिजॉल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूँ, शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो शुगर हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट की, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूट ये डिजॉल्व कर पाएगा, उतना ज़्यादा सब्सटेंस ये डिजॉल्व कर पाएगा। और टेम्परेचर जितना कम होगा वो तो डिजॉल्विंग कैपेसिटी भी इस सॉल्वेंट की क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। फिक्स टेम्परेचर पे इसकी कैपेसिटी इक्वल रहती है, वो चेंज नहीं होती। अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मैंने बताया कि टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है, इस 25 डिग्री सेल्सियस में इस वाटर की एक कैपेसिटी होगी कि इतने अमाउंट ऑफ शुगर को ये डिजॉल्व कर पाएगा। सपोज ये इसमें 100 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर पाएगा 25 डिग्री टेम्परेचर पर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अगर मैं सपोज इसकी 30 करूंगा तो 100 से सपोज 150 या 125 या 110 ग्राम ये डिजॉल्व कर पाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा, मतलब 20 कर दूंगा, तो इसकी कैपेसिटी भी ये जो 100 ग्राम से कम हो जाएगी। अब मुझे पता है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पर यह कितना डिजॉल्व कर रहा है, 100 ग्राम ये डिजॉल्व करेगा शुगर। अब अगर इसमें मैंने शुगर डाला हुआ है ऑलरेडी, इसको इसमें मैंने डिजॉल्व कर रहा है कितना, 70 ग्राम शुगर मैंने ऑलरेडी इसमें डाल के रखा है और वो डिजॉल्व हो चुका है। अब हमें पता है कि 25 डिग्री पे ये कितने डिजॉल्व करता है, 100 ग्राम। अगर मैं कुछ और ग्राम इसमें, अभी डिजॉल्व हुआ सिर्फ 70, अब अगर मैं कुछ और ग्राम इसमें शुगर डालता हूं, क्या वो डिजॉल्व होगा, यस वो डिजॉल्व होगा, क्योंकि 70 डाला है अभी तक ये 30 ग्राम तक ये और इसी टेम्परेचर पर डिजॉल्व कर सकता है। तो इस समय कि इसकी अभी कैपेसिटी है कि अगर मैं इसको और शुगर यहाँ पे डालता हूँ तो ये उसको डिजॉल्व कर सकता है इसी टेम्परेचर पे। ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ये वो सॉल्यूशन है जिसके पास अभी कैपेसिटी होती है कि अगर आप और कुछ सॉल्यूट इसमें डालोगे वो उसी टेम्परेचर में उसको डिजॉल्व कर सकता है। ऐसे वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या आएगी, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात अगर करें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कि क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सेम यही केस है। सपोज ये 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना डिजॉल्व कर सकता था, 100 ग्राम कर सकता है। और सपोज हमने इसमें ऑलरेडी 100 ग्राम शुगर डाल के रखा है, वो डिजॉल्व हो चुका है। अब अगर मैं इसमें और शुगर ऐड करूँ ना, वो डिजॉल्व नहीं होगा इस टेम्परेचर पर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि इस टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ ये 100 ग्राम डिजॉल्व कर सकता था। अब अगर मैं 1 ग्राम भी डालूँ, 2 ग्राम डालूँ या 3 ग्राम डालूँ, लेकिन वो इसको डिजॉल्व नहीं करेगा। अब ये वाला सोल्यूशन जो हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इतने इसने फुल कैपेसिटी पर, जितनी कैपेसिटी इस टेम्परेचर पर इसकी थी उतना इसने सोल्यूट को डिजॉल्व कर रखा होता है। अब और ये डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेशन क्या आएगी, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर
सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आप समझ गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ने अपनी फुल कैपेसिटी पे जितना भी अमाउंट डिजॉल्व कर सकता था वो कर लिया होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड के पास अभी और कैपेसिटी होती है, इसने जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना अभी इसने डिजॉल्व नहीं किया होता है। तो अब आगे बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी सिंपल है कि अगर हमारे पास जो ये सॉल्वेंट है, मतलब सपोज मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं वाटर, यहां पर जो सॉल्वेंट है वो फिक्स लेना है आपको कितना 100 ग्राम, कितना लेना है 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम में फिर आपको टेम्परेचर भी क्या कर रखना है, टेम्परेचर भी क्या कर देना है, कॉन्स्टेंट रखना है। सपोज आपने टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। देखो अच्छा अब सपोज मैंने क्या लिया, 100 ग्राम लेना है हमेशा हमें क्या सॉल्वेंट, मतलब जो वाटर लिया हमने, इस 100 ग्राम ये 100 ग्राम सॉल्वेंट 20 डिग्री सेल्सियस पे कितने ग्राम सपोज शुगर में ऐड कर रहा हूं, शुगर को डिजॉल्व कर सकता है, वो इसकी क्या कहलाएगी, वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सपोज अगर ये 100 ग्राम वाटर 10 ग्राम शुगर को इस 20 डिग्री सेल्सियस पे डिजॉल्व कर सकता है तो इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी 10 ग्राम। क्या कहलाएगी? 10 ग्राम, और कहां पर? इस टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर घट जाएगा सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो सिंपल क्या है, 100 ग्राम सॉल्वेंट किसी फिक्स टेम्परेचर पे कितने ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। देखो इस सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट पे भी, सॉल्वेंट पे भी, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना। तो यहां पर सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स रखना है आपको कितना, 100 ग्राम। अब उसमें कितना आप सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट आपको फिक्स रखना है कितना, 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हो किसी फिक्स टेम्परेचर पे, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज 32 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पर इन्होंने वाटर रखा है और बोल रहा है वाटर तो फिक्स रखना है ना हमें, जो भी सॉल्वेंट है वो फिक्स लेना है हमें कितना, 100 ग्राम, और यहाँ पर टेम्परेचर बोल रहा है टेम्परेचर भी फिक्स रखना है, तो यहाँ पर इन्होंने रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। इस 20 डिग्री सेल्सियस में कितना पोटेशियम नाइट्रेट आपका सॉल्यूट कहलाता है, तो ये 32 ग्राम्स आप इसमें डिजॉल्व कर सकते हो इस टेम्परेचर पर। तो सॉल्युबिलिटी जो पोटेशियम नाइट्रेट की है वाटर में वो कितनी है, 32 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको सॉल्युबिलिटी समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। क्या होते हैं एलिमेंट्स? एलिमेंट्स वो सबस्टांस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम्स का बना होता है। एटम्स की बड़ी सारी टाइप्स होती है। सपोज एटम्स डिपेंड करता है कि किसी भी, देखो मेरे पास एटम है, एक मैं एटम ये बनाऊंगा जिसमें अंदर एक प्रोटॉन है, साथ में एक न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक एटम आया। दूसरा एटम ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास दो प्रोटॉन्स हो और न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं, इसमें दो भी हो सकते हैं, एक भी या तीन भी, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो। हमेशा एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। ये दूसरे किस्म का एटम आया। इस एटम जिसमें एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस एटम का नाम रखते हैं हम हाइड्रोजन। वो एटम जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरा टाइप है एटम का, इस एटम का नाम रखा है हीलियम। इसी तरीके से तीन प्रोटॉन वाला होगा, तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन, ये सारे टाइप्स है किसकी, एटम्स की। अगर कोई सबस्टांस सिर्फ एक किस्म के एटम्स का बना है उस वाले सबस्टांस को हम एलिमेंट बोलेंगे। सपोज मेरे पास एक सबस्टांस है वो सिर्फ और सिर्फ उन किस एटम्स का बना है, हाइड्रोजन के एटम्स का बना है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम। ये वाले बहुत सारे हैं, हमने लिए यही एटम, कौन से एटम, हाइड्रोजन के एटम। ये मेरा जो सबस्टांस बना ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट में आप दो किस्म के एटम्स में ही मिला सकते। अगर मैं सपोज ये हाइड्रोजन भी ले रहा हूँ और ये हीलियम, मतलब ये दो चीजें हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो किस्म के हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो किस्म के क्या मैंने लिए हैं,
एलिमेंट लिए, तो ये एटम्स लिए, ये मैंने जोड़कर एक सबस्टांस बनाया, लेकिन ये मेरा एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो किस्म के क्या है, एटम्स है। सिर्फ एक किस्म के एटम्स का जो सबस्टांस बनता है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या आएगी? एन एलिमेंट इज अ सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम्स का बना हो, ऐसे वाले सबस्टांस को हम एलिमेंट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं तीन ग्रुप्स में। वो तीन ग्रुप्स कौन कौन से? नंबर एक हमारे मेटल्स, नंबर दो मेटालॉइड्स, और नंबर तीन नॉन मेटल्स, और नंबर तीन मेटालॉइड्स। ठीक है ना? एलिमेंट्स सिंपल क्या है, जो एक किस्म के एटम्स का बना हो। एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड करें, देखो ये वाला एटम है ना, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, फिर तीसरा क्या बनेगा, तीन प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन। ये सारे एटम्स, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। अब उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो डिवाइड हो जाते हैं तीन ग्रुप्स में। जैसे मैं एलिमेंट की अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स का बना। मेरे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्यों है? क्योंकि देखो O2 मतलब दो ऑक्सीजन जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स का बना। अगर मैं वाटर लूं, वाटर क्या है? H2O, इसका फार्मूला देखो, फार्मूले से ही दिख रहा है कि ये किस किस का बना है। ये दो किस्म के एटम्स का बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का बना। ये मेरा एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो किस्म के एटम्स का बना है। ये एक कंपाउंड कहलाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम्स का बना हो वो एलिमेंट, जो दो या दो से ज्यादा किस्म के एटम्स का बना है वो हमारा कंपाउंड कहलाता है। इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे डेफिनेशन में आगे हम, तो हमारा सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स है। तो अब एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। ये डिटेल टॉपिक हम पढ़ते हैं कि इसमें क्लास 10th की केमिस्ट्री में, बट यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा इन तीनों को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेटल की, मेटल क्या होते हैं, तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मॉलेबल होता है, जो डक्टाइल होता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। मॉलेबल क्या होता है? मॉलेबल मतलब ये मेरे पास एक मेटल है, मैं इसको हैमर से मार रहा हूँ, इसको बीट कर रहा हूँ, बीट करने की वजह से मैंने इसकी एक थिन शीट क्या बनाई, मैंने एक थिन शीट बनाई। अब अगर मैं किसी भी सबस्टांस को बीट करने के बाद उसकी एक थिन शीट बनाता हूं, तो मैं बोलूंगा कि ये सबस्टांस क्या है, मॉलेबल है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मॉलेबिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? मॉलेबल होते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब आप इन्हीं को हैमर से मारकर एक पतली सी वायर बना सकते हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और ये साथ ही साथ ये क्या कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये है मेटल की डेफिनेशन, जो मॉलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, अल्मोनियम है, मरकरी है, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स है। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, जो किसकी फॉर्म में होता है, जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। अब अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की, ये जो नॉन मेटल्स है, ना ये मॉलेबल होते हैं, ना ये मॉलेबल होते हैं, ना ये डक्टाइल होते हैं, और ना ही ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मॉलेबल क्यों नहीं होते? अगर हम इनको हैमर से मारेंगे ना, तो ये टूट जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। डक्टाइल मतलब अगर हम इनको हैमर से मारकर इसको हम पतली वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ये फिर से ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए ये डक्टाइल भी नहीं होते, और ना ही ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नॉन मेटल की सिंपल डेफिनेशन, ये तो ना मॉलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, और ना ही ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी इसकी अगर एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, डायमंड है, ये सारे क्या है, ये सारे नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स हर एक फॉर्म में आपको मिलेंगे, बट ज्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, गैसेस की फॉर्म में होते हैं। अब अगर बात करोगे आप मेटालॉइड्स की, मेटालॉइड्स एक ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स के साथ मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल्स के साथ मिलती है, और साथ ही साथ हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि मेटल क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करता है क्या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें करंट पास होती है। नॉन मेटल में नहीं कर सकते, इसका मतलब मेटल के पास हमारे पास कोई हमारी ना हमारी चलती नहीं, उसमें हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मेटल में करंट चल पड़ी तो वो चल पड़ी, वो नहीं रुकती है, नॉन मेटल में नहीं चलती है तो नहीं चलेगी। लेकिन मेटालॉइड्स ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहें तो उनको एक्ट करते हैं, उनसे हम काम लेते हैं मेटल की तरह, हम चाहें तो उनसे हम काम लेते हैं नॉन मेटल्स की तरह। इसलिए जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये ज्यादातर किसके बने होते हैं, मेटालॉइड्स के बने होते हैं। तो मेटालॉइड्स ऐसे सबस्टांस होते हैं कि जो शो करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, ऐसे वाले सबस्टांसेस को हम
मेटालॉइड्स कहते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज्यादातर मेटालॉइड्स के ही बनाए जाते हैं, और इन्हें हम फिजिक्स की भाषा में सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेटालॉइड्स की वो है बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट्स है, इनसे ही ज्यादातर क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। अगर कोई पूछे क्यों, क्योंकि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं रहते। तो आप समझ गए मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। तो अब हम आगे बात करेंगे कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। सिंपल, अभी मैंने पहले भी एग्जांपल बताई थी, अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा किस्म के एटम्स का एक सब्सटेंस बना, जैसे मैंने बोला वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, मतलब ये कैसे बना है, ये बना है इसमें हाइड्रोजन के हमने लिए कितने एटम्स, दो एटम्स, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का लिया होता है एक एटम, ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बनना होता है। मतलब ये वाटर जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो किस्म के एटम्स का बना होता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो ऐसे वाले सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। बट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब इसका जो मास है ना वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। जैसे कि मैंने बोला जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होती है, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है। तो ये दो किस्म के एटम्स है, इनको हमने जोड़ा, कैसे जोड़ा, हम बोलते हैं दो, हमने हाइड्रोजन के दो एटम्स लेते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं। हम पढ़ेंगे बाद में कि क्यों हम ऐसा ही क्यों करते हैं, ये H2O इसका फार्मूला कहलाता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1 यूनिट के, कितने यूनिट के, 1 यूनिट के, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है 16 यूनिट। असल में ऑक्सीजन के पास सिक्स प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एट प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कहलाता है 1 एटॉमिक यूनिट। अब टोटल कितने आए, इसके पास 16 है, तो इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 16 यूनिट। अब आप क्या समझ गए, हाइड्रोजन के पास कितना मास है, 1 यूनिट, और ऑक्सीजन के पास कितना मास है, एटॉमिक मास यूनिट, 16 यूनिट। लेकिन हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया, हाइड्रोजन के हमने लिए 2 और प्लस ऑक्सीजन का लिया हमने 1 ही, तो हाइड्रोजन के 2 है तो मास आया उसका 2 यूनिट, ऑक्सीजन का 1 है तो मास आया इसका 16 यूनिट। रेशो देखो 2 यूनिट और 16 यूनिट का, मतलब इसको कैंसिल करें तो ये आएगा 1, ये आ जाएगा कितना 8। इसका मास का रेशो क्या रहता है, 1:8 इसका रेशो रहता है किसका, मास का, है ना, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। आप अगर थोड़ा सा भी वाटर का पोर्शन, ये हमारे पास फुल वाटर बना हुआ है, अगर इतना सारा पोर्शन आप वाटर का लोगे, फिर अगर आप उसका मास का रेशो निकालोगे वो हमेशा क्या रहेगा, 1:18, 1 मास आएगा हमारा किसका, हाइड्रोजन का, और 8 यूनिट का मास आ जाएगा हमारा किसका, ऑक्सीजन का। तो यही मैंने एग्जांपल यहाँ लिखी है, वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो रेशो क्या रहता है इनका, 1:18। तो याद रख लेना, सिंपल है कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स का बना होता है, जिनको जो केमिकली कंबाइन हुए होते हैं इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। याद रख लेना, कहीं फिक्स प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम नहीं बोल सकते, या फिक्स प्रोपोर्शन बाय कुछ और नहीं, याद रखना फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इंपॉर्टेंट है कंपाउंड की डेफिनेशन। एग्जाम्पल्स अगर ले जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, लाइमस्टोन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा फार्मूला क्या है, CO2, मतलब कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, और इसका फार्मूला है CO2, ये है एक हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये दो किस्म के एटम्स का बना है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो देखो ये तीन किस्म के एटम्स का बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये तीन किस्म के एटम्स का बना है, इसलिए ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट और कंपाउंड की बात आप समझ गए, एक किस्म के एटम्स का जो सब्सटेंस बना है एलिमेंट कहलाता है, दो या दो से ज्यादा किस्म के एटम्स का बना है वो क्या हमारा कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाएगा। आगे हम अगर बात करें, सॉरी रब करता हूं मैं इसको,
अगर हम प्रॉपर्टीज के बेस पे कंपाउंड्स को डिवाइड करें ना, तो कंपाउंड्स तीन टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एसिड, बेस और साल्ट। ये कंपाउंड्स डिवाइड होते हैं तीन हिस्सों में, एसिड, बेस और साल्ट। तो याद रखना, एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं तीन हिस्सों में, कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और हमारे क्या कहलाते हैं, मेटालॉइड्स। ये एलिमेंट्स की टाइप्स। तो कंपाउंड्स ये भी तीन टाइप्स होते हैं इसके, एसिड, बेस और तीसरा साल्ट। ये तीनों चीजें एसिड, बेस, साल्ट टेंथ में पढ़े जाते हैं डिटेल में, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स ये भी टेंथ में डिटेल में पढ़े जाते हैं। तो ये हम टेंथ में ही पढ़ेंगे। अभी तक आप समझ गए कि एसिड है ये एक कंपाउंड होता है, बेस ये भी एक कंपाउंड होता है, साल्ट ये एक कंपाउंड होता है, मेटल एलिमेंट होता है, नॉन मेटल एलिमेंट होता है और मेटालॉइड एलिमेंट होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। देखो मिक्सचर और कंपाउंड में थोड़ी सिमिलरिटीज भी दिखती हैं। जैसे मैं बताऊंगा, मेरे पास अगर एक शुगर सॉल्यूशन है, देखो इसमें मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है मतलब मेरे पास वाटर भी है इसमें H2O और शुगर भी है, मतलब शुगर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। देखो इसमें वाटर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मतलब ये शुगर सॉल्यूशन जो है ये भी क्या तीन किस्म के एटम्स का बना है। वहीं अगर मैं एक कंपाउंड लूं, सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूं CO2, ये दो किस्म के एटम्स का बना। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों दो या दो से ज्यादा किस्म के एटम्स के बने होते हैं। सिमिलरिटीज तो है, बट डिफरेंस क्या है, हम वो डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। पहला डिफरेंस, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, वेयर एज द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस बट बाय केमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जो ये मिक्सचर हमारे पास होता है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स में। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो इसके इस पार्टिकल्स में फिजिकल प्रोसेस से। किससे? फिजिकल प्रोसेस से, मतलब फिल्ट्रेशन से या फिर सब्लिमेशन से या डिस्टिलेशन से या एवोपरेशन से, ये कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं जिनसे आप मिक्सचर को, मिक्सचर के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। बट कंपाउंड्स को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप उन्हें कर सकते हो थ्रू केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस मतलब बाय लाइट, हम उस पर लाइट डालकर उन्हें सेपरेट करते हैं, या फिर हम उनके हीट करते हैं, या फिर उनके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं। उनसे हम एक 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 कंपाउंड को सेपरेट करते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे कंपाउंड है हमारा वाटर H2O, हम अगर इसको सेपरेट करना है किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में, दो डिफरेंट इसके पार्टिकल्स हैं, इनमें सेपरेट करना, हम इसको फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, बल्कि कैसे कर सकते, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, केमिकल प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, बट साथ ही साथ कंपाउंड्स को फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, बल्कि केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स वेयर एज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर क्या है, अगर मिक्सचर मेरे पास है एक शुगर और एक वाटर का, ये मिक्सचर प्रॉपर्टी शो करेगा वाटर की भी और ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है शुगर की भी, बट जो ये कंपाउंड होता है ये कभी भी अपने पार्टिकल्स की, जैसे मेरे पास वाटर है H2O, ये बना किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब ये हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज है, बट जो मेरे पास कंपाउंड बना H2O, इसकी टोटली प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। तो हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर जो होता है वो अपनी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है, बट कंपाउंड अपनी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है देन उसके पार्टिकल्स के जिनसे वो बना होता है। तो ये दो डिफरेंस आ गए। आगे अगर बात करें हम, तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें, इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इज यूजुअली नाइदर गिवन, सॉरी एनर्जी ही यहां पर, एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्बड, वेयर एज इन केस इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्बड। जब हम एक मिक्सचर बनाते हैं उस समय ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना एनर्जी एमिट होती है मिक्सचर के केस में, बट जब हम एक कंपाउंड बना रहे होते हैं तब या तो एनर्जी दी जाती है या एनर्जी वहां से निकलती है, या एनर्जी रिलीज होती है या वो फिर उस समय वहां पर वो सब्सटेंस एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते। तो ये याद रखना, तीसरे डिफरेंस ये है कि मिक्सचर के प्रिपरेशन में एनर्जी ना तो एमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है, बट इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी या तो जनरली एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होती है। चौथा डिफरेंस क्या है, मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट फार्मूला, मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता बट कंपाउंड का एक डेफिनेट फार्मूला होता है। जैसे कंपाउंड एक वाटर है तो डेफिनेट फार्मूला H2O,
इसी तरीके से हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है तो डेफिनेट फार्मूला है CO2, तो कंपाउंड का एक डेफिनेट फार्मूला होता है। बट हमारे पास अगर एक शुगर सॉल्यूशन है तो इसका कोई डेफिनेट फार्मूला हमारा नहीं रहता, बिकॉज ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं और दे आर नॉट फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। चौथा डिफरेंस ये है कि अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेयर एज अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल है कि मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बट कंपाउंड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब हमारा ये यूनिट हमारा क्या हो गया है, एंड हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हमने इसमें सारी चीजें सीख ली जो कि एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेम्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।